अच्छी होगी। ये बन गई जादू और निकलो शुरू कर देते हैं अभी। हेलो ऑल, स्वागत है नए ब्लॉग में। आज हम लोग जाने वाले लंदन, जो कि एक ड्रीम सिटी है। आ चुके हैं अपनी बस स्टेशन के लिए। हम लोग बैठ चुके हैं इप्सविच टू लंदन ट्रेन में। हम यहाँ से कुछ 8:41 में निकले हैं एंड पहुँचेंगे साढ़े नौ पौने 10 तक, तो 1 से सवा घंटा लगेगा। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं लंदन लिवरपूल स्ट्रीट। यह है लंदन लिवरपूल स्ट्रीट रेलवे स्टेशन। हम लोग अभी निकल रहे हैं लंदन लिवरपूल स्ट्रीट से टावर ब्रिज, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। शायद हमें 15 से 20 मिनट लगने चाहिए। और ये है यहाँ का अभी का नज़ारा। जैसे हम लोग अभी तक इप्सविच में थे, वो एक छोटा सा टाउन है एंड ये है लंदन। ये एरिया टावर ब्रिज के साइड का है। यहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा कमर्शियल स्पेसेस ही है, ऑफिस और वही सब चीज़ें, इसलिए यहाँ की बिल्डिंग्स जो है वो बहुत ही ऊंची है, बहुत अच्छी भी दिख रही है वैसे। बिल्डिंग्स ना यहाँ पे इतनी बड़ी है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। जैसे इंडिया का मुंबई, वही सेम सिचुएशन है। जैसे मुंबई में सिचुएशन है कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, यहाँ पे भी वही चीज़ है। फ़र्क थोड़ा बहुत है। तो मुंबई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लंदन से, एंड यहाँ का पोल्यूशन भी कम है वैसे। बस यहाँ के हिसाब से इट इज़ क्राउडेड एंड थोड़े बहुत भी लोग रहते हैं ना, तो इनको बहुत ही ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया ऐसे। हमें जाना था टावर ब्रिज, तो यहाँ पे एक लीडेनहॉल मार्केट भी है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने हैरी पॉटर मूवी में भी देखा होगा, जो वो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं बच्चे, तो यहीं पे उसकी शूटिंग हुई थी। अभी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। देखिए ये वाली शॉप्स है। वैसे ज़िंदगी में तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जहाँ हैरी पॉटर की शूटिंग हुई थी वहाँ पे मैं आऊँगा, एंड आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे। बस सपने देखने चाहिए और वो पूरे करने के लिए फिर शादी करो, फिर ऐसी बीवी देखो कि जो ऑन साइड जाए, वो बाहर घूमे और आपको भी घुमाए, और निकल लो फिर कुछ मत करो। हाँ, ये लंदन के सेंटर में ही है। यहाँ से टावर ब्रिज आपका शायद 5 मिनट का वॉक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ज़्यादा सुबह मत आइए, जैसे हम लोग आ गए हैं कुछ 10 बजे, तो इस टाइम शॉप्स बंद है। हम लोग ट्राई करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग इवनिंग में भी आते हैं, एंड उस टाइम सारी शॉप जैसे खुल जाएंगी, तो शायद ये जगह अच्छी हो जाएगी। अच्छा ही है, सुंदर है। लीडेनहॉल मार्केट से हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी टावर ऑफ लंदन। हेलो, सॉरी, ये ऐसे होता है। ये जो चर्च है ये ओल्डेस्ट चर्च इन लंदन सिटी है। ये कुछ 675 एडी में बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा पुराना है लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इसे, मतलब ऐसे लगता नहीं है कि 675 एडी का ये चर्च है। चर्च का विज़िट हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो आपको ये देखने मिल जाएगा कि जो ओल्डेस्ट चर्च इन द सिटी है वो कैसा है एंड उसको मेंटेन भी कैसा किया है, कितना पुराना है। एंट्री फ्री है, अगर आप चाहें तो गाइडेड टूर भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये है लाइन टावर ऑफ लंदन में जाने के लिए, तो यहाँ से अंदर जाते हैं। ये है टावर ऑफ लंदन, पहले कैसल हुआ करता था, अब म्यूज़ियम है। यहाँ पे बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी है, इन्होंने खुद से जो बनाई हुई चीज़ें वो भी यहाँ पे रखी। यहाँ पे कोहिनूर डायमंड भी रखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। इसका पर हेड टिकट अराउंड 29 पाउंड्स का है। एक लंदन पास होती है जिसमें आपको यहाँ के बसेस हो, रेलवेज़ हो, फिर हर जगह की म्यूज़ियम की है ना आपको पास मिल जाती है, उसमें वो प्रायोरिटी पे रहता है। उसका एक अलग लाइन भी रहता है, वो लेंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तो ये विज़िट किया था, तो अगर पॉसिबल है उस टाइम की कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ है तो हम लोग इसमें डालेंगे आपके रेफरेंस के लिए कि अंदर से कैसा है ये। ज्वेल टावर तो वैसे अंदर का शूट नहीं करने देता है। हाँ, तो ये टावर ऑफ लंदन के अंदर ना भी एक ज्वेल टावर है जिसमें सारी बेशकीमती चीज़ें रखी है, ज्वेलरीज रखी है, डायमंड्स रखे हैं। हाँ, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों अलाउड नहीं है। हो चुका है KFC में हमारा ऑर्डर 7258। ये आ गया उसका रिसिप्ट। बहुत हवा है यहाँ पे यार। ये है टावर ब्रिज, जो बीच में ब्रिज है ना वो वाला पार्ट, वो हिस्सा। जब यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं तो वो ओपन होता है, उसका भी कुछ टाइम है, ऐसे रेगुलर इंटरवल में नहीं खुलता है, वो कभी कभी खुलता है। यहाँ जब भी आ रहे हैं तो इसी साइड में आपको टावर ब्रिज मिलेगा, टावर ऑफ लंदन है। सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है लंदन की सबसे अच्छी वाली वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। सबसे बेस्ट टाइम है समर, उस टाइम बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस टाइम भीड़ ज़्यादा मिलेगी आपको यहाँ पर। ऐसी सब लंदन की गाइडेड टूर्स भी होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक लैंग्वेज में भी मिलती है, इंग्लिश, हिंदी या तो फिर कोई और लैंग्वेज है। एंड यहाँ जगह जगह पे भी लिखा है किस जगह का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या है उस चीज़ की। इसी तोप भी रखी है जो पहले ये लोग यूज़ करते थे। एंड यहाँ से टावर ब्रिज शुरू होता है, आपको टिकट्स ऊपर मिल जाएंगे इसकी। यहाँ पे एक डायल बना हुआ है जो आपको टाइम बताता है। टावर ब्रिज शुरू होता है यहाँ से। भी शायद यहाँ की ट्रैफिक बंद कर दी है क्रिसमस के कारण या न्यू ईयर के कारण, उसकी शायद तैयारी चल रही होगी। ये रोड वैसे बिजी रहता है ज़्यादातर। इसी ब्रिज से ना वो अक्षय कुमार बैग फेंकता है, क्या पटियाला हाउस मूवी में जो गाना दिखा है ना, क्रिकेट के जो उसकी जो रहती है वो फेंक देता है। बहुत ऊंचा है ये, बहुत ज़्यादा। ये जो है ग्लास, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस है, आप यहाँ पे चल सकते हैं ये दोनों साइड में। इसका एक टूर होता है, वो भी जा सकते हैं, जिसमें इस टावर ब्रिज की हिस्ट्री बताई जाती है। ये पार्ट से ब्रिज खुलता है जब यहाँ से बड़े जहाज गुजरते हैं। यहाँ पे भी इंडिया जैसी हाल है, यहाँ पे किसी ने तो लिखा है दिल में MR। इसके काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये है टावर ब्रिज और वो है टावर ऑफ लंदन। एंड इस साइड में है कमर्शियल स्पेसेस। ये रिवर जो है ये थेम्स है एंड उसके ऊपर ये टावर ब्रिज बना हुआ है। ये टावर ब्रिज के साइड में यहाँ पर आप टाइम पास करने के लिए आ सकते हैं, बैठने के लिए आ सकते हैं। ये सारी जगह में खाने पीने की चीज़ें मिलती है। ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, कुछ शॉपिंग के लिए है, कुछ खाने पीने का है। ये वॉरशिप यहाँ पे रखी है, अभी इसको म्यूज़ियम बनाया गया। ये HMS बेलफास्ट है, यहाँ पे भी हम लोग लास्ट टाइम आए थे विज़िट करने के लिए। वॉरशिप अगर आप अंदर से देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये लंदन पास में इंक्लूडेड है। ये जो बहुत खूबसूरत लेन्स है, ये टावर ब्रिज के जस्ट पास में ही है। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, जस्ट वॉक के लिए है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं एंड बाकी सब तो अपार्टमेंट्स एंड होटल्स हैं। वो जो हमने पहले देखा था वो टावर ब्रिज है एंड ये यहाँ का लंदन ब्रिज है। एक दिन में हमने काफ़ी सारी प्लेसेस कवर की थी विच वी कुड नॉट फिट इनटू अ सिंगल वीडियो, सो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 अभी आप देख चुके हैं, अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। पार्ट 2 वी वुड बी रिलीजिंग विद इन अ फ्यू डेज, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड देन यू कैन वॉच द पार्ट 2। इफ यू एंजॉय वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।